पंचायत में कोरोना से जागरूक करने का चल रहा अभियान, तो वहीं ग्राम पंचायत खुसिंग के सभी स्थानों पर किया गया मास्क, दरिया, सैनिटाइजर वितरित कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के जिला भिंड से है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाया जा रहा है गाँव गाँव में कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी के लिए जागरूक अभियान। तो वहीं इस अभियान को गाँव गाँव घर तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक गाँव के सरपंच सेक्रेटरी को लक्ष्य स्थापित किया गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत खुसिंग, पड़वारी गढ़ी, सुल्तान, मुलपाल का अड्डा, बाग वगैया, आंगनवाड़ी केंद्र पर घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चों को दरिया वितरित किया गया और सभी महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र पर बुलाकर कोरोना जैसी घातक बीमारी ब्लैक फंगस से बचाव के सुझाव भी बताए गए। इस कार्यक्रम के दौरान यह महिलाएं रही हैं शामिल। कार्यकर्ता श्रीमती अनिता दोहरे, श्रीमती रामा देवी, श्रीमती राम कुमारी, आशा कार्यकर्ता श्रीमती राजवती देवी, सहायिका अनिता नागर, कार्यकर्ता अनिता राठौर, शिवानी, कंचन, विशाखा, गौरी, राधिका, पूजा, मोहित, विकास, राहुल, अनूप, चिंटू आदि बच्चों को दलिया मास्क सरपंच श्रीमती जावित्री, श्याम सुंदर राजावत उर्फ पप्पू, सेक्रेटरी योगेंद्र पाल सिंह राजावत, सहायक सचिव अविलाक सिंह, पंचवक्ता श्रीमती रीना जगवीर सिंह कुशवाहा, आशा राम बघेल, नेता राम दोहरे, देवेंद्र दोहरे, राम किशोर, श्रीवास विश्वनाथ श्रीवास आदि ग्रामीणों की उपस्थिति में कार्य संपन्न कराया गया। सरपंच का कहना है कि गांव-गांव के अंदर बाहर से आने वाला हर व्यक्ति क्वारंटाइन कराया जाए, इसके लिए अलग अलग स्थान पर सुविधा भी की गई है। गांव में हर घर को कोरोना बीमारी मुक्त बनाने के लिए सैनिटाइजर मास्क वितरित किए, निःशुल्क किए गए। इस पहल से गाँव के सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट कर आई है। जब हम जागरूक होंगे तभी कोरोना से जंग लड़ सकते हैं और इस बीमारी पर अंकुश लगा सकते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जिला ब्यूरो इमरान अली खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार। बताएं सेक्रेटरी जी, आज आपके गांव में मास्क वितरित कार्यक्रम रखा गया है, प्रत्येक गांव का लक्ष्य क्या स्थापित किया है, कैसे जागरूक करेंगे लोगों का? हम घर घर जाकर जो संपर्क कर रहे हैं जी, और लोगों को समझा रहे हैं जी कि मास्क लगाएं, दूरी बना कर रखें, साबुन से हाथ धोएं जी। हम लोगों ने समझाइश दी है, आज मास्क वितरण किए। आपके गांव में अभी तक कोविड वैक्सीन के तहत कोई ऐसा बीमार निकल कर सामने आया? कोई नहीं निकला सर। अच्छा, बाहर से कोई लोगों का आवागमन हुआ है? नहीं, एक दो लोग आए हैं, उनका अपन ने उनको बताया है, समझाया है, और कोई अभी तक बीमार नहीं निकला है। अच्छा, क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया जी गया सर गाँव में? जी सर, हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यक्ति आया है अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया? क्या नाम है आपका? योगेंद्र पाल सिंह। किस गाँव से आप सच्चे? जखमौली से, गांव जखमौली है, पंचायत गुस्सी में। बताएं आज किन गांवों में आपने भ्रमण किया है जहां मास्क वितरित किए गए हैं, और आज विशेष ऐसी स्थानों पर भी आप गए हैं जहां एक सार्वजनिक स्थल देखे जा रहे हैं? ग्राम पंचायत गुस्सी में सबसे प्रथम माता का मंदिर पे वहां पूजा अर्चना करके वहां पे मास्क वितरण और ग्रामवासियों को वहां बुलवा के मास्क वितरण किया गया है जी। और वहाँ महिलाओं को भी वितरण किए गए हैं और उनको कोरोना के संबंध में और ब्लैक फिंगर्स के बारे में, नई बीमारी के संबंध में उनको बताया गया है। और ग्राम गुसिंग, पड़वारी, मूलपल का अड्डा, गाड़ी सुल्तान, बाग बगिया, इन सभी ग्रामों में प्रचार प्रसार किया, सैनिटाइजर का खिंचाव किया गया है और मास्क का वितरण किया गया है। और सभी को मास्क धुल के रात में धोले में, शाम सुबह फिर पहले में, ऐसा मतलब सबको बताया गया। बूढ़े बूढ़ों को, सबको, बच्चों को, सबको मास्क वितरण किए गए हैं। ये जो पहल की गई है, ये पहल कितने गांव तक पहुंचाने की पहल है ये आपके, और कहां कहां तक लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य स्थापित? मेरा लक्ष्य पूरे भिंड जिले का है। मैं पूरे भिंड जिले में भ्रमण कर रहा हूँ, बराबर भ्रमण जा रहा हूँ और सब जगह लोगों को समझा रहा हूँ। और मेरे द्वारा पूरे भिंड जिले में खाने का भी वितरण किया जा रहा है। 15 दिन से लगातार कंटिन्यूस खाना, जो असहाय वृद्ध और जो बिल्कुल निशक्त हैं, इनको खाने का वितरण भी किया जा रहा है। खाना भी चल रहा है और मास्क भी? हाँ जी जी, खाना, पानी का पैकेट, मास्क, जो बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, बाजार नहीं जा पा रहे हैं, असहाय वृद्ध हैं और इनके लड़के हैं, लड़के नहीं हैं, माँ बाप बूढ़े पुराने हैं, बड़ा बिल्कुल हैं, वो नहीं जा पाते, उनको वहाँ पर उन्हें खाना का वितरण भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह कुशवाहा। अभी तक कितने गाँव तक पहुँच चुके हैं? अभी तक हम 30-40 गांव में बराबर कंटिन्यूस सुबह निकलता हूं, पहले सुबह मंदिर पे मतलब खाने का पैकेट का वितरण करता हूं, उसके बाद 1 बजे से पूरे जिले में भ्रमण करता हूं। आज गुसिंग गांव में गए एक सरपंच के माध्यम से, क्या नाम है सरपंच का और आपके माध्यम कितने लोग उपस्थित हैं? आज सरपंच नाथ जावित्री, श्याम सुंदर सिंह और पप्पू ग्राम पंचायत गुसिंग मजरा पड़वारी के निवासी हैं, और इनके द्वारा भी
पूरा सहयोग। सेक्रेटरी भी रहे आपके? हाँ, यहाँ 17-18 साल सेक्रेटरी पद पे यहाँ रहे घुसिंग पे। नहीं, यहाँ मैं सचिव रहा हूँ। बताए सरपंच जी, आज आपके गांव में मास्क वितरित कार्यक्रम रखा गया है, कहाँ कहाँ ये मास्क आपने वितरित करवाए हैं और किस प्रकार के लोगों को समझा दिए हैं? हम लोगों को समझाया है कि जो बीमारी चल रही है ये कोरोना कोविड-19 के ये महामारी और ये ब्लैक फिंगर है, जाके बारे में बताओ है कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए के रखें, और जो हमारे माननीय शिवराज सिंह की वो चल रही है वहाँ के बारे में बताओ है। और जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पे गए, वो आंगनबाड़ी केंद्र पे गए, और मूलपाल को अड्डा, बगिया बाग, गढ़ी सुल्तान और घुसिंग और ग्राम पड़वारी, ये सभी ग्रामवासियों को, हाँ गढ़ी सुल्तान, ये सब ग्रामवासियों को बता और समझाए कि कोरोना से मतलब बचाव करो, मास्क लगाओ, शाम को धो और धो के सुबह फिर लगाओ, और जैसे ये बीमारी है वो ब्लैक फिंगर, जाको बचाव करो और सोशल डिस्टेंसिंग प्रयोग करो, मतलब दूरी बनाए कर रखो जी, मतलब कोरोना जैसी महामारी का बचाव करो। हाँ, कोरोना मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। हाँ, मास्क वितरित करे, सैनिटाइजर वितरित करे और लोगों को समझाओ जी कि